Here in this question, we are left with there are three letters and three directed envelopes. Teen letters hain aur teen directed envelopes hain. Write the number of ways in which no letter is put in the correct envelope. ठीक है? तो कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर हम what do we want to do? यहाँ पर हमें arrangement use करना है. अगर आप अभी तक समझ पाए हो, देखिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास तीन boxes हैं. ठीक है, these are the envelopes, these are, मैं अगर इसको नाम दे दूँ, this is my envelope 1, envelope 2, this is my envelope 3, and I have letters here, I have letters L, L, suppose this is L2, this is L1 and L3, तो मुझे क्या करना है कि एक टाइप का अरेंजमेंट है, ऑर्डर का अरेंजमेंट. ठीक है, I have to arrange this in proper order. करेक्ट ऑर्डर तो सिर्फ एक ही होगा, L1, L2, L3. I should write it down here. करेक्ट ऑर्डर इज L1, L2 एंड L3. करेक्ट 1, 2, 3 जो ऑर्डर है यहाँ पे. और नंबर ऑफ करेक्ट ऑर्डर, और अगर मैं पूछूँ कि नंबर ऑफ करेक्ट ऑर्डर, वो भी एक ही होगा. दैट वुड बी ओनली वन. एक ही तरीका है जिससे कि करेक्ट ऑर्डर बनेगा. That's all. But how many arrangements of this are possible? Total how many arrangements? Total arrangements. Arrangement of what? Arrangement of letters. Arrangements. क्योंकि तीन है हमारे पास अलग अलग letters, तो there are three factorials. ठीक है, तो number of wrong arrangements. Number of wrong अरेंजमेंट्स. रॉन्ग अरेंजमेंट्स के कौन से तरीके होंगे? कि हम टोटल में सही माइनस, टोटल माइनस करेक्ट, दीज वुड बी द नंबर ऑफ रॉन्ग अरेंजमेंट्स. राइट, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? बहुत ईजी है ये. टोटल हमारा क्या है? थ्री फैक्टोरियल माइनस करेक्ट कितना है? वन. तो व्हाट डज दिस गिव अस? थ्री फैक्टोरियल कितना होता है? थ्री इंटू टू इंटू वन माइनस वन. व्हाट डज दिस गिव अस? It gives us 5. Answer kya ho gaya hamara? Our answer would be 5. Here the answer is 5.